तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये है टीवीएस की एक्सएल 100 VS4 है विदाउट सेल्फ। तो गाइस, इसमें कंप्रेसर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस, इसमें कंप्रेसर सही करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, तो वही हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, इसमें कंप्रेसर हाई नहीं, हाथ से भी गिर जा रहा है। तो दोस्तों, हम इसका अभी हेड का वाल चेंज करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, हमने हेड का चापा खोल लिया है, तो चलिए अभी हेड का पूरा सब सामान खोल के लेद में ले जाते हैं। तो गाइस, हमने लेद में लेके आ गए हैं और देख सकते हैं अभी हेड का ही काम चल रहा है। तो गाइस, इसका सीट कट रहा है अभी, मतलब नया बल्ब लग रहा है और सीट भी हम कटा रहे हैं इसका। और इसका जो गाइड था दोस्तों, एक गाइड प्ले था, हम इसका गाइड भी चेंज कर दिए हैं। तो गाइस, ठीक है, अभी वीडियो देखते रहिए कैसे कैसे हम काम करते हैं और क्या क्या चेंज किया, अब हम तो बता ही दिए। तो गाइस, हमने अभी लेट से आ गए हैं, अभी तो अपना दुकान में आ गए हैं, तो चलिए अभी फिट कर देते हैं और वीडियो देखते रहिए। तो गाइस, इसमें हमने जेन्युइन पार्ट्स ही डाले हैं टीवीएस का। तो गाइस, एक्सएल 100 में जो बल्ब लगता है, तो ये पैप और स्टिक का बल्ब जो लगता है वही लगता है। तो 598 ही है इसका MRP, तो यही वाला बल्ब लगता है एक्सएल 100 में। तो ठीक है गाइस, हम अभी फिट कर लेते हैं। तो गाइस, हम देख सकते हैं हमने इसका हेड बल्ब लगा दिए हैं, अच्छे से धो धा के लगा दिए हैं। तो गाइस, कभी भी कोई भी इंजन का काम करिएगा तो थोड़ा ऐसे ही साफ़ सफाई करके काम करिएगा, ताकि इसमें कोई कचरा वचरा ना फंस जाए, क्योंकि मोबिल मतलब इसमें जो ऑयल मतलब ऊपर उठता है उसका रास्ता भी जाम ना हो जाए, नहीं तो सीज हो सकता है। तो गाइस, ऐसे ही साफ़ सुथरा करके ही काम करिए। तो गाइस, हमने अभी हेड अभी बैठा रहे हैं, तो अभी हम स्टार्ट करके तो नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि अभी इसको में जो हम एनाबॉन्ड पेस्ट लगा रहे हैं तो अभी सूखने के लिए देने मतलब छोड़ देंगे, तो कल सुबह ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर आपको सुनाएंगे। तो गाइस, अभी तो सुबह हो चुका है, तो चलिए अभी इसको हम स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका साउंड अभी कैसा है और कंप्रेसर भी ठीक है कि नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, कंप्रेसर तो ठीक है, लेकिन एक्सल 100 में उतना ज़्यादा कंप्रेसर नहीं रहता है। तो फिर भी हमने इसका तो बल्ब और सीट और गाइड भी हमने करवा दिया, तो अभी गाड़ी सुबह उतना स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ जानकारी हमसे मिला तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।